सो फार सो गुड, दिस इज मी सिकंदर खान और मैं हूँ यहाँ पर ब्राज़ील में इस वक्त। बहुत ही सनी डे है और इस वक्त दिन के 3 बज रहे हैं और मैं निकला हूँ घर से खाना वाना खा के। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा ब्राज़ील आप लोगों को घुमाया जाए, तो आ जाओ मेरे साथ। This is the tourist spot over here in Brisbane. और ये जो जगह है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो let's find out कि क्या क्या है यहाँ पर। And I've heard कि यहाँ पर वर्ल्ड वॉर टू के अंदर बहुत तबाही हुई थी, उसके बाद यहाँ पर जो है वो दोबारा से एक प्रोसेस चला जिससे ये सारी चीज़ें उन्होंने रीबिल्ड की है। Let's see कि Brisbane में क्या क्या है देखने को। जहाँ पर पुराने जमाने में लोग जो है वो अपनी गैदरिंग किया करते थे, यहाँ की बहुत सॉलिड हिस्ट्री है और मतलब आर्किटेक्चर, और जिस तरीके से इन्होंने उस आर्किटेक्चर को प्रिजर्व नहीं किया है, दोबारा से रीबिल्ड किया है, क्योंकि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू ये सब डिस्ट्रॉय हो गया था और यहाँ पर तकरीबन 2.5 लाख लोग मरे थे। यहाँ मेरे पीछे है वो दरवाज़ा जहाँ पर ना ये लोग कैदियों को रखते थे, और आप देख सकते हो कि यार सो सॉलिड। ये था रेजिडेंस कासल, मतलब ये उन लोगों की रहने की जगह थी जो पुराने जमाने में राजा महाराजा नहीं होते, और अब हम जहाँ आ गए हैं दिस इज लाइक अ स्मॉल मार्केट down to the street. यहाँ पर सारे टूरिस्ट हैं, so I feel free to make a vlog over here. यार इन गलियों में घूमते वक्त ना बंदे को बड़ा लोनली लोनली फील होता है, सीरियसली। मैं अकेले अकेले घूम रहा हूँ और ये जो जगह है वो 1511 से, मतलब 15th century से इस जगह पे मतलब लोग रह रहे हैं। इट्स वन ऑफ द ओल्ड सिविलाइजेशन। मेरे ऊपर जो आप लोग देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज लग रहा है मुझे। पुरानी जगहों पे जब आप आते हैं ना तो यू फील द वाइब ऑफ दैट सेंचुरी, यू नो लाइक 15th century की वाइब आ रही है यहाँ पर, और आई मीन आई कैन फील इट यार। यहाँ का जो एक आर्किटेक्चर है इट इज डिफरेंट, लाइक आफ्टर कमिंग टू जर्मनी दिस इज द फर्स्ट टाइम आई गॉट दैट वाइब कि यार टूरिस्ट होकर भी यहाँ पर घूमा जा सकता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो है वो एक यूनिवर्सिटी थी 18th century में, और अब जो है वो हिल्टन होटल बन गया है। बट लुक एट दैट यार, दिस इज अ रिवर और ये ड्रेसडन का मेन रिवर है, और इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस यार। मेरे पीछे मार्टिन लूथर खड़े हुए हैं, इनका नाम बहुत सुना था, आज पहली दफा देख लिया। इज इट स्टिल वर्किंग? इज इट स्टिल राइडिंग? लाइक यू कैन राइड इट? या। वाओ, हाउ इट साउंड लाइक? I want to hear the sound. Yeah. Ebony, police. Okay. It's too loud. Yeah, I can understand that.
Wow. मेरे पीछे आप देख सकते हैं आइस स्केटिंग हो रही है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है ना बेसिकली ये विंटर फेस्ट है और डिज्नी में लगा हुआ है। इसका नाम है ड्रिसनर विंटर फेस्ट, लिख दिया है ना। इसके साथ साथ यहाँ पर मुख्तलिफ खाने के स्टॉल्स हैं, बच्चों के लिए बहुत सारे झूले भी हैं। ज़्यादातर टूरिस्ट हैं, लोकल भी हैं जो सैटरडे नाइट को एंजॉय करने के लिए अपनी फैमिलीज के साथ आया है। यार एक चीज़ तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि यार सुकून है यार, यहाँ पर इतना सुकून है। एवरीवन इज चिलिंग, एवरीवन इज एंजॉयिंग ओवर हियर। दिस इज ड्रेसनर। No. I'm a Dresdener Winter Fest. Ab bola bhai ne sahi. So, yeah, this is here I am. Bhai sardi lag rahi hai. Aag jal rahi hai. Haath sek lo. पर यार ये लोग तो अपनी सर्दी को भी एंजॉय करते हैं, हवाई तरह नहीं, बट स्टिल यार दे आर एंजॉयिंग इट। और व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट।